सोलो गाइस वेलकम टू माय फ्रेंड टेक्निकल अजमेर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में बात करने हैं वीवो के T3 लाइट 5G फोन के बारे में। अगर आप लोग के पास वीवो का T3 लाइट 5G फोन है, यहां पर हम बात करने वाले हैं इनकमिंग कॉल लाइट एंड नोटिफिकेशन लाइट सेटिंग के बारे में। जैसे कि दोस्तों अगर आपके पास कॉल आ रहे हैं या मैसेज आ रहे हैं तो आपके स्क्रीन के चारों तरफ एक लाइट वर्क करने वाली है। जैसे कि दोस्तों इस तरीके का लाइटिंग आपको मिल जाएगी आपके फोन में। डायनेमिक इफेक्ट के अंदर आओगे, यहां पर आपको एक लाइटिंग मिल जाती है कंप्लीटली अपने फोन में। आप लोग ट्राई कर पाओगे इस तरीके का लाइटिंग अगर आपके पास मैसेज या कॉल वगैरह आते हैं तो ये देखने में इंटरेस्टिंग लगेगी अगर आप लोग अपने फोन में इनेबल कर लेते हो तो। दोस्तों इसे कैसे इनेबल करना है एंड कैसे यूज करना है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बता रहा हूं। वीवो के T3 लाइट 5G फोन है तो फाइनली दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग को चलकर बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने मिलेगा। अब दोस्तों जो लाइटिंग है इस तरीके का सेक्शन मिलता है, अदरवाइज आप लोग अपने फोन में इसे यूज करो या आप लोग इनेबल करना चाहते हो तो इस तरीके का आपको मिल जाएंगी। अगर आपके पास चाहे कॉल आ रहे हैं, किसी बंदा का भी कॉल आ रहा है, आपके स्क्रीन पर लाइट काम करेगी। इसका नाम है एज लाइटिंग सेटिंग। अब दोस्तों इसे कैसे यूज करना अपने फोन में मैं आपको इसके बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा। जब भी आप लोग इनेबल करना चाहोगे अपने फोन में इनेबल कर पाओगे। इनेबल करने के लिए फाइनली आपको सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। नीचे आप स्क्रॉल करके आते हो, आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है डायनेमिक इफेक्ट। डायनेमिक इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है दूसरे नंबर पे, यहां पर अलम, यहां पर लाइट इफेक्ट। जैसे आप क्लिक करोगे लाइट इफेक्ट पे, उसके बाद आपको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, इसे ऑन कर लेना है। नीचे आओगे आपके फोन में एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, इसे ऑफ करके रख लेना है या आप लोग ऑन करना चाहते हो तो ऑन भी कर लेना। उसके नीचे आपको मिलेगा इनकमिंग कॉल्स एंड डिस्प्ले द अल्टरनेट एंड लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, इस वाले फीचर्स को इनेबल कर लेना है। नीचे और ऑप्शन मिलेगा एक आपको लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, इसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपके लाइटिंग अलग अलग तरीके का डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। इसमें आप कलर को कस्टमाइज करना चाहते हो, कलर चेंज करना है। अब जैसे कि यहां पर कलर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप लोग ग्रीन कर सकते हो, ग्रीन कलर आपको रखना है तो ग्रीन आप लोग अप्लाई कर पाओगे। अदरवाइज आप लोग अलग अलग कलर, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर को चेक कर पाओगे एंड अप्लाई करोगे, बेटर अप्लाई हो जाएगा। यहां पर कलर कस्टमाइजेशन करने के लिए फाइनली आपको कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको कलर कस्टमाइजेशन करना है। जैसे ग्रीन है तो ग्रीन कर सकते हो, यहां पर इस कलर को करना है तो आप लोग कर सकते हो ब्लू और ग्रीन, तो बेटर आप लोग अप्लाई करोगे आपके लाइटिंग बेटर मिलेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगा आपके फोन में जब इस तरीके का यूज करोगे। तो यहां पर आप लोग अलग अलग तरीके का लाइटिंग सेट कर सकते हो इनकमिंग कॉल लाइट पे। एंड इनकमिंग कॉल लाइट पे सेट करने के बाद आपको बैक करना है नीचे। जैसे बैक करोगे आपके फोन में एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन का, लिखा गया डिस्प्ले द अल्टरनेट, यहां पर आपको लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन मैसेज एंड नोटिफिकेशन, इसे ऑन है तो ऑन, ऑफ कर है तो ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको नोटिफिकेशन ऐप को परमिशन देना होता है। कुछ एप्लीकेशन आप लोग परमिशन दे सकते हो, हिंजेपे के लिए मैं यहां पर इस तरीके से ऑन कर रहा हूं। आप लोग भी कोई जो भी आपको मनपसंद एप्लीकेशन है, परमानेंट एप्लीकेशन है, उस पर आप लोग ऑन कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। ऑन करने के बाद आपको यहां पर मिल जाएगा नीचे नोट, यहां पर लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको उसी तरीके से लाइट को सेट करना है, कस्टमाइजेशन करना है जिस तरीके से आपने इनकमिंग कॉल को सेट किया। यहां पर ग्रीन और यहां पर ब्लू या येलो रख सकते हो, या अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करके साइज को यहां पर कस्टमाइज कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, बेटर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यूज करने का और अपने फोन में जैसे अप्लाई करोगे नोटिफिकेशन लाइट आपका बेटर काम कर देगा। तो सभी इफेक्ट अपने फोन में इनेबल कर पाओगे अपने वीवो के T3 लाइट स्मार्टफोन में। एंड एक बहुत ही बढ़िया फीचर्स है, एंड जब भी अपने फोन में आप लोग को कॉल आता है या मैसेज आता है ये लाइटिंग आपके फोन में बेटर काम करेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं मिलेगा। तो ये लाइटिंग आपके फोन में कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया है। जब आपके पास मैसेज या कॉल वगैरह आते हैं तो आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा एंड यूज करने में, एंड इस तरीके से आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा यूज करने में। तो फाइनली दोस्तों अपने फोन में इससे जाकर इनेबल कर सकते हो एंड ट्राई कर सकते हो, बेटर फीचर्स है मैंने बता दिया। कैसे आपके पास कॉल आते समय इनकमिंग कॉल लाइट को सेट कर सकते हो मैंने इस वीडियो में डिटेल के साथ आप लोग को बता दिया। फाइनली दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के इंप्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय दोस्तों।